चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, वो उस मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पॉल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 200 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। मैं दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि आपको इन राजनीतिक साजिशों से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे के तौर पे खड़े हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो जेल के बाहर हो, वो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें इस लड़ाई को सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे हमें इस लड़ाई को संसद में लड़ना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों को उनका हक मिलके रहेगा।